हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक न केवल महत्वपूर्ण है, ये बहुत कंफ्यूजिंग भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोटिस्टा को लेकर के बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रोटिस्टा के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। हम इस पूरे लेक्चर में ये जानेंगे कि प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन स्टेटस क्या है और प्रोटिस्टा आखिर है क्या, प्रोटिस्टा के क्या कैरेक्टर हैं जिनके आधार पर उन्हें प्रोटिस्टा के फॉर्म में क्लासिफाई किया गया। पिछला जो लेक्चर था जिसमें हमने किंगडम लेवल पे क्लासिफिकेशन किया था, उसमें हमने 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम सिस्टम तक क्लासिफाई किया। इसके आगे एक जो लेक्चर और जो हम पढ़ेंगे करेंगे उसमें हम 5 किंगडम और 6 किंगडम, जिसमें कि 3 डोमेन सिस्टम आएगा, उसको भी कवर करेंगे, तो उसमें और प्रोटिस्टा आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसको आगे वाले जो वीडियो है उसको भी एक बार जरूर देखें। तो पहले हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की कि प्रोटिस्टा क्या है। स्क्रीन पे आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ और बात करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जो 2 किंगडम सिस्टम है वो लीनियस ने दिया। लीनियस ने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको केवल 2 कैटेगरी में, प्लांट लाइक और एनिमल लाइक में बांटा। उसके बाद हेकल आया और हेकल ने, बिकॉज माइक्रोस्कोपी वॉज दैट टाइम डेवलप, माइक्रोस्कोपी का डेवलपमेंट हो चुका था, तो उसने जितने भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स थे, जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म थे, उसको उसने प्रोटिस्टा में डिवाइड किया। उसके बाद हेकल ने 3 किंगडम दे दिया, उसमें 3 किंगडम हो गए, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। उसके बाद 4th किंगडम आए, 4th किंगडम में कोपलैंड ने क्या किया कि प्रोटिस्टा जो यानी जो प्रोटिस्टा में अभी तक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के आधार पर 2 भागों में डिवाइड कर दिया और प्रोटिस्टा में केवल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा और मोनेरा को, जिसके अंदर कौन आएंगे, मोनेरा को एज अ 4th किंगडम एस्टेब्लिश कर दिया। तो अभी तक जो 3 किंगडम थे, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया, अब कोपलैंड ने 4th किंगडम बना दिया मोनेरा। मोनेरा में आए यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा में आए यूनिसेलुलर यूकैरियोट, प्लांटी और एनिमेलिया दोनों मल्टीसेलुलर हैं, दोनों किस तरह से डिफरेंट है हम सब जानते हैं। तो कोपलैंड ने 4 किंगडम किया। उसके बाद विटाकर आए, विटाकर ने प्लांटी में से फंगाई को, बिकॉज उनका न्यूट्रिशन अलग तरह से था, उसने प्लांटी में से फंजाई को निकाल दिया। तो इस तरह से 5 किंगडम बने, पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। अब इसमें से जो प्लांट, इसमें जो प्रोटिस्टा की जो हम चर्चा कर रहे हैं, अभी तक के मूव से हमें यूं लग रहा है कि प्रोटिस्टा वो थे जो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक थे। ठीक है, तो ठीक है, हम ये बात यहाँ पे एक बार के लिए मान लेते हैं कि एक बार के लिए हम यही मानते हैं कि जो प्रोटिस्टा हैं वो कौन है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो हैं वो प्रोटिस्टा। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ कि प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर और यूकैरियोट। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत गौर करने वाली बात है। शुरुआती लेवल में जो हेकल ने प्रोकैरियोट प्रोटिस्टा को एस्टैब्लिश किया, जिस फॉर्म में एस्टैब्लिश किया, वो नो डाउट यही थी कि वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में। लेकिन जैसे जैसे साइंस में डेवलपमेंट हुआ, ये जो सिस्टम था कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट हो, ये सिस्टम प्रोटिस्टा का डिटरमाइनिंग सिस्टम नहीं रहा, डिटरमाइनिंग फीचर नहीं रहा। उसके बाद धीरे 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 जैसे बाकी जो हमने जो किंगडम पढ़े, बाकी किंगडम कौन से हैं, मोनेरन्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं किंगडम, अभी हमने बात की, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा की तो बात ही चल रही है, इसके अलावा फंजाई है, इसके अलावा प्लांट है, और इसके अलावा क्या है, एनिमल है। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रोटिस्टा की। अब यहाँ पे आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है, अभी तक हम बात कर रहे हैं प्रोटिस्टा की। ठीक है, अब मोनेरा तो यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं, ये क्या हैं, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक।
अब देखिए हम प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं, ठीक है, और प्रोटिस्टा की जब हम बात कर रहे हैं तो एक सेकंड, प्रोटिस्टा की जब हम बात कर रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो निकल के आ रही है, ये जो प्रोटिस्टा है ये प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, बाकी ये सारे के सारे क्या हैं, मल्टीसेलुलर। लास्ट टाइम भी अपन ने डिस्कस किया था ये मल्टीसेलुलर। अब हुआ क्या, जैसे जैसे इनके बारे में डिटेल फंजाई प्लांट और एनिमल्स के बारे में निकले तो हुआ क्या कि इनके अंदर भी कुछ ऐसे क्लासिफिकेशन थे। जैसे पहले प्रोटिस्टा किसमें था, प्रोटिस्टा था ही नहीं, दो किंगडम थे। उसके बाद फंजाई पहले किसमें था, प्लांट, तो प्लांट को में से अलग निकाल करके फंजाई को एस्टेब्लिश किया। अच्छा, मोनेरा को कोपलैंड ने प्रोटिस्टा में से निकाल करके अलग किया। तो इसी तरह से धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, बाद में जैसे जैसे इनके अंदर डिटेल एनालिसिस हुए, फंजाई में से कुछ जीव ऐसे निकले। अब ये क्या है, ये तीनों क्या है, हमने भी पढ़ा, जो यूनिसेलुलर है, सॉरी मल्टीसेलुलर है। लेकिन धीरे धीरे जब इनका क्लासिफिकेशन पढ़ने को आया तो हमें धीरे धीरे पता चला कि इनके अंदर भी कुछ ऐसे जीव ऑलरेडी क्लासिफाइड हैं जो कि यूनिसेलुलर है। चूंकि अब ये सारे यूकेरियोटिक थे, तो यानी फंजाई के अंदर यूकेरियोटिक तो यूनिसेलुलर है। अब यूनिसेलुलर और यूकेरियोटिक का ठिकाना क्या है, तो फंजाई में से कुछ किस में निकल के आने लगे, प्रोटिस्टा में निकल के आने लगे। समझ में आ रहा है, तो फंजाई में से कुछ इसमें प्रोटिस्टा में से निकल के आएंगे, ये फंजाई में से कुछ कौन से निकल के आएंगे, जितने भी यूनिसेलुलर होंगे, राइट। कुछ प्लांट्स में से निकल के आएंगे जो यूनिसेलुलर थे लेकिन अभी तक मल्टीसेलुलर प्लांट में अपनी पोजीशन एंजॉय कर रहे थे, और इसी तरह से कुछ एनिमल्स में भी निकल के आएंगे। तो प्रोटिस्टा एक ऐसा ग्रुप बन गया जिसमें सारे ही आते हैं, ठीक है। तो प्रोटिस्टा के अंदर सारे चीज आने लगे, और वो क्यों आने लगे, शुरुआती तौर के बिकॉज हिकल के अनुसार, या फिर हम कहें कि फाइव किंगडम के अनुसार, जो ज्यादा एक्सेप्टेबल हम मानते हैं, जिसको हम रेफरेंस मानते हैं, फाइव किंगडम के अनुसार जो विटेकर ने दिया था, यूनिसेलुलर जो यूकैरियोटिक है उसे हम प्रोटिस्टा में रखते हैं। तो इसलिए फंजाई प्लांट और एनिमल से जो ऑर्गेनिजम्स थे जो अभी तक फंजाई के अंदर प्लांट और एनिमल के अंदर क्लासिफाई थे, उन्हें निकाल निकाल कर किसमें रखा जाने लगा, प्रोटिस्टा में रखा जाने लगा, ठीक है। तो प्रोटिस्टा ब्रॉडली तीन टाइप की हो गई, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, राइट। तो एक प्रोटिस्टा को हम किस तरह से मान सकते हैं, प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कहीं नहीं समाया वो यहां आ जाएगा। एक बहुत गौर करने लायक बात है, प्रोटिस्टा में वो आएगा जो कहीं नहीं आया। तो इसे हम स्टोर रूम टाइप कह सकते हैं, जिस तरह से स्टोर रूम एनालॉजी हम कह सकते हैं, हमारे घर में कोई भी चीज जो कहीं काम की नहीं होती हम फाइनली कहां रख देते हैं, स्टोर रूम में रख देते हैं। तो इट्स ए काइंड ऑफ डंप यार्ड, इनिशियली जो कहीं नहीं आता था उसे हम प्रोटिस्टा में रख देते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोटिस्टा केवल इसलिए प्रोटिस्टा नहीं है कि वो जो कहीं नहीं आया वो यहां रख दिया, ठीक है। क्लासिफिकेशन में जो भी प्रोटिस्टा में आया वो ठीक है, लेकिन ये वास्तव में जब धीरे धीरे डिटेल्ड एनालिसिस हुआ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के सामने आई। अगर आप ये डायग्राम देखें, इसमें आप देख रहे हैं कि यहां से ऑर्गेनिज्म का उत्पत्ति शुरू हुआ, शुरू में बैक्टीरिया, आर्किया, दो तरह के आर्किया बैक्टीरिया पुराने, और बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया, ठीक है। आप यहां से देख रहे हैं कि यहां से एक ब्रांच के रूप में दोनों से क्या निकला, प्रोटिस्टा, और इसी प्रोटिस्टा से, ध्यान रखिए एक पेड़ की तरह मानिए, इसी प्रोटिस्टा से एक तरफ बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा का कॉमन एंसेस्टर था यहां पे, यानी ये जो एंसेस्टर है जिससे प्लांट पैदा हुए, यहां से क्या है, प्रोटिस्टा का कॉन्ट्रीब्यूशन है और प्लांट का, यानी प्रोटिस्टा से ही प्लांट्स पैदा हुए हैं, प्रोटिस्टे ने ही आगे चलकर फंगाई को पैदा किया है, और प्रोटिस्टा से ही आगे चल करके एनिमेलिया पैदा। इसी वजह से जब हम क्लासिफिकेशन हमने किया तो फंजाई से कुछ जीव प्रोटिस्टा में आए, प्लांटी से भी कुछ जीव प्रोटिस्टा में आए, और एनिमल से भी कुछ जीव प्रोटिस्टा में आए। क्यों आए, बिकॉज ऐसा अभी पढ़ रहे हैं तो यूं लग रहा है कि फंजाई से प्रोटिस्टा निकला, प्लांट से प्रोटिस्टा निकला, एनिमल से प्रोटिस्टा निकला, जबकि उल्टा है। क्लासिफिकेशन में तो हमने इसको प्लांट को, इस क्लासिफिकेशन में तो हमने ऑर्गेनिज्म को पांच में बांटा, लेकिन रियल में क्या हुआ है,
कि प्रोटिस्टा से फंजाई निकले, प्रोटिस्टा से प्लांट निकले और प्रोटिस्टा से एनिमल निकले। इसी वजह से जो हमने शुरू में क्लासिफिकेशन किया फंजाई प्लांटी और एनिमल का, उसके अंदर हमने फंजाई प्लांटी और एनिमल के अंदर कुछ ऐसे फॉर्म्स देखे जो किन से मिलते जुलते हैं, वो प्रोटिस्टा से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रोटिस्टा एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। तो आज के टाइम में डेफिनेशन क्या है, अभी हमने कहा, अभी हमने चर्चा की कि हाँ कोई भी जो यूनिसेलुलर हो यूकेरियोट को, नहीं अभी वो नहीं है, बिकॉज प्रोटिस्टा इतने डाइवर्स हैं कि आज के टाइम में प्रोटिस्टा हैं वो मल्टीसेलुलर भी प्रेजेंट है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टीसेलुलर है। तो अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि जो मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक हैं वो प्रोटिस्टा नहीं है। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जो है वो क्या है, अब इंपॉर्टेंट बात ये, पहले तो ठीक है समझ में आया कि यूनिसेलुलर यूकेरियोट उसे हम प्रोटिस्टा कहते हैं, लेकिन करंट जो प्रोस्पेक्टिव है, करंट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, करंट जो हमारी समझ है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक विल बी प्रोटिस्टा, इतना क्लियर कट नहीं है। ठीक है, तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, चलिए अब पढ़ते हैं हम प्रोटिस्टा क्या है। देखिए पहला ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूकेरियोट्स दैट आर नॉट प्लांट, ध्यान रखिए एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहे हैं हम, नॉट प्लांट, जो ना तो प्लांट है यानी उसके लक्षण प्लांट से मेल नहीं खाते पूर्णतया, ऐसा कोई जीव जो एनिमल्स भी नहीं है और ऐसा कोई जीव जो फंजाई भी नहीं है, उसे हम प्रोटिस्टा कहेंगे अब। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जो कोई भी ऐसा जीव जो प्लांट एनिमल और फंजाई नहीं है, अब बैक्टीरिया से तो मिल खाएगा नहीं, बैक्टीरिया तो अलग कहानी है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है उसको सारा सिस्टम ही अलग है। ठीक है, उसको ड्रॉप किया गया है, टिका दिया गया है इनटू द कैटेगरी प्रोटिस्ट। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हो गया यूनाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल नेगेटिव कैरेक्टर। अब देखिए इसकी बड़ा विचित्र बात है कि प्रोटिस्टा जो है एक सिंगल नेगेटिव कैरेक्टर की वजह से यूनाइटेड है। प्रोटिस्टा का होना केवल एक कैरेक्टर की, क्या है, कौन सा नेगेटिव है, दे आर नॉट, नेगेटिव कैरेक्टर मीन्स नहीं होना, नेगेटिव दे आर नॉट, अभी जो पहली वाली बात, फंजाई नहीं हो, प्लांट नहीं हो, एनिमल नहीं हो, इस कैरेक्टर से यूनाइटेड है। इसके अलावा इन ऑल अदर रेस्पेक्ट दे आर हाईली वेरिएबल, इसके अलावा जितने भी प्रोटिस्ट हैं उनमें इस लक्षण के अलावा बाकी सारे लक्षण मेल नहीं खाते। जितने भी प्रोटिस्ट हैं, जितने भी प्रोटिस्ट हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, उनमें अगर समानता है तो वो केवल एक है कि वो ना तो प्रोटिस्ट है ना, सॉरी, ना तो वो प्लांट है, ना वो एनिमल है, ना वो फंजाई है, इसके अलावा कोई भी लक्षण उनका मेल नहीं खाता। द वर्ड प्रोटिस्ट डज नॉट डिस्क्राइब ए फॉर्मल टैक्सोनॉमिक ग्रुप, एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप नहीं है, बट वास्तव में क्या, एक कन्वीनियंस के हिसाब से बनाई हुई टर्म है, एक कन्वीनियंस के हिसाब से कि जिनको हम क्लासिफाई कहीं नहीं कर पाए उनको कहां रख दिया, प्रोटिस्टा में रख दिया। ऑल द यूकेरियोट्स दैट आर नॉट प्लांट एनिमल एंड फंजाई, तो पहले चार पॉइंट में मैंने एक ही बात चर्चा की है, अलग अलग तरीके से चर्चा की है कि ऐसे जीव जो ना तो प्लांट है, ना एनिमल है, ना फंजाई है, उन्हें हम प्रोटिस्टा कहेंगे, ना कि उनको जो यूनिसेल्युलर और यूकेरियोटिक है। ऐसा क्यों, बिकॉज यू प्रोटिस्टा इतने डाइवर्स हैं कि उनमें से कुछ धीरे धीरे मल्टीसेलुलर फॉर्म के अंदर भी प्रोटिस्ट निकल आए हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट हैं, यूनिसेलुलर जो यूकेरियोटिक है उन्हें ही हम प्रोटिस्ट बोलेंगे, ऐसा हम नहीं कह सकते। द डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटिस्ट इज रिफ्लेक्टेड इन बोथ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के लिए भी डाइवर्स है, और फाइलोजेनी उद्विकास का जो क्रम है उसके हिसाब से भी है। द मोर डाइवर्स देन एनी ऑफ थ्री बेटर नॉन यूकेरियोटिक ग्रुप कौन से हैं, जिनकी बात हम कर रहे हैं, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई, उनसे में से कहीं ज्यादा डाइवर्स हैं। अब प्रोटिस्टा क्या है, मोटाइल भी हैं और कुछ मूव भी नहीं करते, कुछ फोटोसिंथेटिक भी हैं, कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक यानी हेटरोट्रॉफिक भी हैं, मोस्ट आर यूनिसेलुलर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें देखो मोस्ट लिखा है, ये क्यों लिखा है, बिकॉज शुरुआती में तो हमने कहा पहले ज्यादातर सारे हुई थे, तो मोस्ट आर यूनिसेलुलर बट सम आर मल्टीसेलुलर, ये इंपॉर्टेंट जिस बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि जो पहला जो करेक्टर था ट्रेडिशनल वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। अब इतने छोटे यूनिसेलुलर है, ज्यादातर 90% यूनिसेलुलर, इसलिए सारे के सारे क्या होंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, बट चूंकि जो कुछ मल्टीसेलुलर है, जैसे कि ब्राउन एल्गी में अपन पढ़े कैल्प्स, बहुत बड़े बड़े होते हैं, 15-15, 20-20 फुट लंबे प्रोटिस्ट भी हैं, कुछ आर ह्यूज है, इसके आधार पर रखा है, और
सिमेट्री की हम बात करें, हम ऑर्गेनिजम्स को सिमेट्री, जैसे एनिमल किंगडम में हम पढ़ते हैं बाइलेटेरिया और रेडिएटा, ठीक है, तो ऐसा वो कोई सिस्टम यानी सिमेट्री जो है वो सारी तमाम तरह की सिमेट्री ये शो करते हैं, और तमाम तरह के न्यूट्रिशन यानी फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, हेटरोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक, हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो इस तरह से ही प्रोटिस्टा के कुछ जनरल फैक्टर्स। अब अपन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि किंगडम जो प्रोटिस्टा है, ये तीसरा किंगडम है फाइव किंगडम के अनुसार, दूसरा है, पहला है मोनेरा, मोनेरा कोपलैंड ने एस्टेब्लिश किया, प्रोटिस्टा हीकल ने एस्टेब्लिश किया, फंजाई विटाकर ने एस्टेब्लिश किया, प्लांटियर एनिमेलिया लीनियस ने एस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो दूसरा जो किंगडम है प्रोटिस्टा, वो पहली बात लिखिए, मेंबर ऑफ द किंगडम ग्रुप टुगेदर बिकॉज दे डू नॉट फिट इन टू अदर किंगडम, जो कहीं नहीं आते वो यहाँ आते, मैंने कहा ना ये स्टोर बोर्ड स्टोर रूम की तरह। चलिए कौन कौन से हैं ये देखते हैं, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंगस लाइक, तीन तरह के प्रोटिस्टा हैं। अब प्लांट लाइक कौन है, जो प्लांटी में से निकाले गए वो प्लांट लाइक है, अच्छा प्लांटी में से निकाले गए, अच्छा पहली बात है कि प्लांटी में से निकाले गए तो नो डाउट जब प्लांटी में रखे गए तो किस आधार पर रखे गए, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते थे, बिकॉज पहले तो क्राइटेरिया यही था कि जो फोटोसिंथेटिक है वो प्लांटी, जो नॉन फोटोसिंथेटिक एनिमल टू किंगडम में, ठीक है। तो अगर ये प्लांटी से निकाले गए तो नो डाउट फोटोसिंथेटिक है, तो सीधी सी बात है कि ऐसे कोई भी प्रोटिस्ट जो फोटोसिंथेटिक थे, ऑटोट्रॉफिक है यानी अपना भोजन खुद बनाएंगे प्रकाश की सहायता से, उसमें लिखेंगे, तो इसमें कौन आएंगे, एल्गी, ठीक है। तो कुछ एल्गी ऐसे हैं, बिकॉज एल्गी का क्लासिफिकेशन जब शुरू शुरू में किया गया उसमें दस, आपने पढ़ा होगा फ्रिश का क्लासिफिकेशन, 10 तरह के एल्गी थे, लेकिन उनमें से जो अब एल्गी बीइंग एन एल्गी, एल्गी प्लांटी में आते हैं, वी प्लांट को अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, और जो थैलोफाइट्स हैं उसमें कौन है, एल्गी, ठीक है। तो बीइंग प्लांट इट शुड बी मल्टी सेलुलर, लेकिन कुछ एल्गी ऐसे थे जो यूनिसेलुलर थे, तो जो यूनिसेलुलर एल्गी थे बिकॉज प्लांट हैं तो यूकेरियोटिक होंगे, तो जब उनको देखा गया कि अच्छा ये जो एल्गी है फोटोसिंथेटिक है लेकिन वो यूनिसेलुलर है, लेकिन उस परिभाषा के अनुसार हमने क्या कहा, यूनिसेलुलर जो होगा वो कहाँ जाएगा, प्रोटिस्टा में, तो उन जितने भी यूनिसेलुलर फॉर्म थे उनको शुरुआत में निकाल करके कहाँ रख दिया गया, प्रोटिस्टा। मैंने पिछली स्लाइड में आपसे चर्चा की कि प्लांट्स में से जो निकले प्रोटिस्टा में गए वो प्लांट लाइक, फंगस में से जो निकले फंगस लाइक, और एनिमल में से जो निकले वो क्या होंगे, एनिमल लाइक, लेकिन आधार सबका क्या था, जो यूनिसेलुलर है, यानी प्लांट, एनिमल और फंगस तीनों किंगडम में जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स थे उनको कहाँ रखा गया, प्रोटिस्टा में, तो जो यूनिसेलुलर एल्गा थे उनको कहाँ रखा गया, प्रोटिस्टा में। तो कुछ जो है जैसे यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा इसका एल्गी का ही क्लासिफिकेशन है, तो जिसमें तीन तरह के यूनिसेलुलर एल्गी आते हैं, यूग्लिनोफाइटा में कौन आएंगे, यूग्लिना आएंगे, यूग्लिना के बारे में हम सब जानते हैं, यूग्लिना के अंदर एक सिंगल फ्लैजिला होता है, ठीक है, और मूव करता है, और यूग्लिना के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह कि यूग्लिना प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक होता है, यूग्लिना जब लाइट मिलती है तो उसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उनकी सहायता से वो अपना फूड बना लेता है, और लेकिन जब यूग्लिना लाइट की एब्सेंस में ग्रो करता है तो क्या करता है, वो एनिमल के तरह बिहेव करता है, और एनिमल क्या होता है, एनिमल कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करता, वो हमेशा किसी न किसी चीज़ को खाकर, इंपॉर्टेंट बात है, इंजेस्ट करता है, खाता है, किसी दूसरे को खाकर अपना पोषण प्राप्त करता है, और जब भी कोई जीव जंतु होता है तो जंतु होने का मतलब है वो विषम पोषी है यानी हेटरोट्रॉफ है, यानी वो फोटोसिंथेटिक फोटोट्रॉफ नहीं है, और जब वो किसी चीज को किसी दूसरे जीव को खाएगा तो उसको डेफिनेटली पचाएगा, तो इसलिए उसकी बॉडी के अंदर क्या होंगी, डाइजेस्टिव वैक्यूल्स होंगी जो उस खाए गई चीज को पचाएंगे, और पचने के बाद उससे जो न्यूट्रिशन रिलीज होगा उससे उसकी बॉडी, उसकी मेटाबॉलिज्म चलेगी, ठीक है। तो यूग्लिना इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट, बट बिकॉज यूनिसेलुलर होता है, फोटोसिंथेटिक भी है, ठीक है। अब यूग्लिना को दोनों तरह से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, तो यूग्लिना को दोनों तरह से क्लासिफाई करेंगे, यूग्लिना जो है वो एनिमल किंगडम में भी आएगा, यूग्लिना एनिमल किंगडम में भी आएगा और प्लांट किंगडम में भी आएगा, ठीक है। एनिमल किंगडम में कहाँ आएगा, जब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में भी यूग्लिना आता है, क्यों, बिकॉज यूग्लिना क्या है, एनिमल लाइक भी शो कर रहा है,
दूसरे हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स होते हैं डायटम्स। डायटम्स बहुत इंटरेस्टिंग जीव होते हैं। डायटम्स जो हैं उनको डायटम्स क्यों बोलते हैं, डाई माने दो, एटम्स माने डिवीजन, टॉम टॉमी डिवीजन, ठीक है। यानी ऐसे जीव जो दो बाइवाल्व जैसे होते हैं, ठीक है, जैसे साबुन की डिबिया समान। साबुन की डिबी दो फ्लेक्स में खुलती है, इसलिए इनके अंदर सेल वॉल जो होती है, बिकॉज बींग प्लांट और बींग एल्गी इनके अंदर सेल वॉल होगी, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होगा, दो लीफलेट होते हैं और उनके ऊपर बहुत मोटा मोटा सिलिका का जमा होता है। तो क्या करते हैं, ये समुद्र पर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस से, जैसा कि हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं कि हमारी दुनिया के अंदर, हमारी पूरी अर्थ में जितनी भी प्रोडक्टिविटी, ऑक्सीजन का जो रिलीज होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, जो फोटोसिंथेटिक जीव करते हैं, उसमें से 80% से ज्यादा वो समुद्र करता है, इतना हम पढ़ते हैं। लेकिन जानने की बात यह है कि समुद्र में कौन करता है, तो समुद्र में ये जो प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्टा का अगर इकोलॉजिकल रोल देखेंगे तो हम चौंक जाएंगे, बिकॉज प्रोटिस्टा के अंदर जो पहली जो दो क्लासेज हैं, सॉरी जो क्राइसोफाइटा और पायरोफाइटा हम पढ़ने वाले हैं, डायनोफ्लेजिलेट्स और डायटम, ये दोनों जो हैं, जितनी भी अर्थ के अंदर जितनी भी CO2 रिलीज होती है उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा दोनों फिक्स करते हैं, ठीक है। तो डायटम सिलिका से बने हुए मोटे मोटे कपाट जैसे होते हैं, कुछ पहले शुरू में ऊपर ये तैरते रहते हैं, लेकिन जब मर जाते हैं तो क्या होते हैं, इनकी जो डायटम की जो डिब्बी है, साबुन की जो डिबिया है, ठीक है, वो धीरे धीरे समुद्र के तले में जमती जाती है, ठीक है। और वहां नीचे 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 बहुत बड़े बड़े पहाड़ से बना लेते हैं, और उस इनका जो मरी हुई जो बॉडी है, उनकी जो डेड बॉडी है, उसको हम बोलते हैं डायटमीशियस अर्थ, ठीक है। और इनके बहुत सारे रोल हैं, जैसे आपने वो देखा होगा स्टोन पॉलिशिंग, जब हम घर पे मार्बल वगैरह लगाते हैं तो बट्टी आती है घिसने की, वो डायटम की सेल वॉल की बनती है। बड़े बड़े बॉयलर्स जो होते हैं जिनमें बहुत हाई टेम्परेचर पे लिक्विड फ्लो करता है, चाहे वो थर्मल प्लांट्स हों जिनमें वेपर जाती है, तो ये इनकी वॉल को इंसुलेट करने के काम आते हैं। तो ये तो डायटम्स के अलग जो बाकी इंडस्ट्रियल यूज हैं वो बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर प्रोटिस्टा में हम पढ़ रहे हैं कि क्राइसोफाइट्स, जिनको हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, डायटम्स में खाली क्राइसोफाइटा में खाली डायटम नहीं आते, डायटम्स के साथ साथ गोल्डन एल्गी भी आते हैं, बिकॉज इनके अंदर कैरोटीनॉइड्स ज्यादा, तो येलोइश गोल्डन कलर के ये दिखते हैं। फिर आते हैं पायरोफाइटा। पायरो का मतलब होता है आग, पायरा माने आग, फाइटा माने प्लांट। अब इसको पायरोफाइटा क्यों कहते हैं वो भी पढ़ते हैं, लेकिन पायरोफाइट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है डायनोफ्लेजिलेट्स, ठीक है। अब डायनोफ्लेजिलेट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए डायनोफ्लेजिलेट्स की जो बॉडी है, ठीक है, वो इस तरह की होती है, मैं रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। डायनोफ्लेजिलेट्स को डायनोफ्लेजिलेट्स कहते हैं बिकॉज डायनो माने दो, फ्लेजिला माने दो। इनकी बॉडी के अंदर दो फ्लेजिला होते हैं, एक फ्लेजिला तो ऐसा होता है और दूसरा फ्लेजिला इसकी बॉडी के चारों तरफ होता है, यानी दोनों फ्लेजिला एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री पर, और इनके ऊपर प्लेट सी लगी हुई, बॉडी के ऊपर क्या मिलेगी, प्लेट सी लगी हुई पाई जाती है। जिस तरह से युद्ध लड़ते हैं तो वो राजे महाराजे पहनते थे प्लेट नुमा कवच, इसलिए इन्हें आर्मर डेलगी भी कहते हैं, कवचित। इन्हें हम आर्मर्ड एल्गी भी बोलते हैं। आर्मर्ड एल्गी गलत लीजिए, आर्मर्ड एल्गी, ठीक है, कवचित। ये सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं, सेलुलोज की बनी है, कोई सिलिका विलिका नहीं है, ठीक है। और ये इस फ्लेजिला की सहायता से अल्टी पल्टी मारते रहते हैं, सतह पर ये मूव करते हैं और अलटते पलटते रहते हैं, ठीक है, सतह पर रहते हैं। इनको पायरोफाइटा इसलिए कहते हैं, इनमें से कुछ एक जो डायनोफ्लेजिलेट्स है, बहुत सारे टाइप के डायनोफ्लेजिलेट्स है, मोस्टली समुद्र में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, फ्रेश वाटर के अंदर भी डायनोफ्लेजिलेट्स एंड डायटम्स पाए जाते हैं। तो दूसरी आप जो डायनोफ्लेजिलेट्स जो है, एक सेकेंड, तो ये जो डायनोफ्लेजिलेट्स जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उनके अंदर पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल ए और सी, कैरोटीनॉइड्स, ये सब पाए जाते हैं। डायनोफ्लेजिलेट्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और जो हम कह रहे थे, डायनोफ्लेजिलेट्स जो हैं वो कुछ जीवों के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी पाए जाते हैं। तो सिम्बायोटिक, जब ये सिम्बायोटिक होते हैं, सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी, सहजीवी ऐसा संबंध है जिसमें दोनों को फायदा होता है, यानी दोनों के बीच में करार होता है, एक MOU साइन हो जाता है कि तू मुझे ये देना मैं तुम्हें ये दूंगा,
ठीक है, तो सिम्बायोटिक में दोनों जीव, और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में कुछ जीवों के साथ समुद्र में रहते हैं, जैसे कि जेलीफिश है, जेलीफिश हो गई। इसके अलावा दूसरे जीव जो अगर दूसरे अगर हम जीव देखें जिनके साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, तो जैसे सी एनिमोन हो गया, सी एनिमोनी, ठीक है। तो इस तरह के जो जीव है इनके साथ है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, कौन? डायनोफ्लेजिलेट्स। अब सामान्यतया तो एक अवचित बॉडी है, इसके सेलुलोजिक प्लेट्स मिल रही हैं, दो फ्लेजिल है। तो जब ये सिम्बायोटिक फॉर्म में रहते हैं तो ना तो इनके ऊपर सेल्यूलोजिक प्लेट होंगी और ना ही इनके ऊपर क्या होगा, फ्लैजिला होगा ये, और ना इस शेप में रहेंगे। बजाय इसके वो किस रूप में मिलेंगे, स्फेरिकल रूप में मिलेंगे, गोल गोल। और इनके अंदर ये कैरोटीनॉइड्स की सांद्रता होती है ज्यादा, इसलिए ये क्या मिलेंगे, बिल्कुल स्फेरिकल गोल्डन ग्लोब्यूल जैसे दिखेंगे। अंदर से कैसे दिखेंगे, गोल गोल कलर के, गोल्डन कलर के ग्लोब्यूल्स जैसे दिखेंगे, गोलियां जैसे दिखेंगे, और उस जीव के अंदर रहेंगे। और उस जीव के अंदर रह करके क्या करेंगे, सिम्बायोटिक फॉर्म में अगर रह रहे हैं तो जो होस्ट होता है इनका, चाहे वो जेलीफिश हो चाहे वो सी एनिमल हो, उसको क्या देते हैं, ये न्यूट्रिशन देते हैं। हाँ, इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है, सी एनिमल के अलावा जो कोरल्स हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी हम चर्चा करेंगे, कोरल्स, कोरल रीफ्स जो हम पढ़ते हैं जो सिलेंड्रेट हैं, उनके साथ भी एक बहुत बड़े सिम्बायोटिक फॉर्म में रहते हैं। और जब ये सिम्बायोटिक फॉर्म में रहते हैं, व्हेन डायनोफ्लेजिलेट्स आर इन सिम्बायोटिक फॉर्म, ठीक है, तो इनका क्या नाम हो जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जूजेंथिली। क्या नाम हो जाएगा इनका, जूजेंथिली, नाम सुना होगा आपने, जूजेंथिली इनको कहा जाता है। यानी जूजेंथिली कुछ नहीं है, सिम्बायोटिक जो डायनोफ्लेजिलेट्स उसे कहते हैं। और जो मैं बात बता रहा था कोरल, अब देखिए धरती पर ऐसे अगर इकोसिस्टम की चर्चा की जाए जहां पर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा वो इकोसिस्टम प्रोडक्टिव है, उनमें से एक नंबर पे आते हैं कोरल्स। और कोरल्स की प्रोडक्टिविटी का कारण बहुत बड़ा यही है कि कोरल्स ने एसोसिएशन किसके साथ बना रखा, डायटम्स के साथ, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं प्रोटिस्टा की बात कर रहा हूँ तो प्रोटिस्टा में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इनका, ठीक है। इसके अलावा मल्टी सेलुलर फॉर्म कहते हैं, जो हम एक्सेप्शनल हम बात कर रहे थे कि मल्टी सेलुलर, क्लोरोफाइटा, ग्रीन एल्गी भी बहुत सारे हैं, जैसे अल्वा, समुद्री सलाद जिसे हम कहते हैं, ये मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन इनके कैरेक्टर ना प्लांट से मेल खाते हैं, ना एनिमल से, ना फंजाई से, इसलिए उनको प्रोटिस्टा में रखा। फियोफाइटा, ब्राउन एल्गी, सारे मोस्टली जो ब्राउन एल्गी हैं, ऐसा नहीं कि सारे फियो यही होंगे, तो मल्टी सेलुलर हैं, ये किसमें आते हैं, कैल्प्स में। रोडोफाइटा में जैसे आयरिश मॉस है, तो ये तीन ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ। अगर हम हिटरोट्रॉप्स की बात करें एनिमल किंगडम, अब हम एनिमल किंगडम में क्या देखते हैं, देखिए एनिमल किंगडम को जब भी हम एनिमल किंगडम को पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि सबसे पहला किंगडम कौन सा, प्रोटोजोआ, दूसरा पॉरीफेरा, तीसरा सिलेंट्रेटा, इसके बाद आप सब जानते हैं। लेकिन गौर करने की बात है कि प्रोटोजोआ चूंकि यूनिसेलुलर होता है इसलिए एनिमेलिया में नहीं आता, इसलिए जो नॉन वर्टिब्रेट्स की जो किताब है उसमें पहला जो फाइलम जिसकी हम चर्चा करते हैं वो पॉरीफेरा की, वो ठीक है प्रोटोजोआ को बस चर्चा हो रही है, लेकिन प्रोटोजोआ बेसिकली बिकॉज यूनिसेलुलर है तो प्रोटोजोआ कहाँ आएगा, प्रोटिस्टा में, ठीक है। तो प्रोटोजोआ के अंदर, इसके अंदर कौन आएंगे, प्रोटिस्ट्स आएंगे, प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ आएगा। प्रोटोजोआ हिटरोट्रॉप्स होते हैं, मैंने कहा पहले भोजन जो है अपना भोजन नहीं बनाते, और प्रोटोजोआ का अगर हम आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन होता है, गमनांगों के आधार पर, ठीक है। किसके अंदर सूडोपोडिया मिलते हैं उन्हें हम सार्कोडिना, जिसके अंदर सीलिया मिलते हैं उन्हें हम सीलियोफोरा, जिसके अंदर फ्लैजिला मिलते हैं जू मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, और स्पोर बियरिंग होते हैं वो स्पोरोजोआ, ठीक है। तो इसके अंदर अमीबा, पैरामीशियम, ईसाई, यानी पूरा जो प्रोटोजोआ है वो इसी के अंदर आता है। और फंगस लाइक जो प्रोटिस्ट हैं, कुछ फंजाई का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, अगर हम फंजाई को क्लासिफाई करेंगे तो यू विल फाइंड टू टाइप्स ऑफ फंजाई, ठीक है। कौन कौन से फंजाई है, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फंजाई वो हैं जिनके ऊपर काइटिन की सेल वॉल मिलती है, लेकिन जो दूसरे फंजाई हैं
जिनके ऊपर सेल वॉल नहीं है वो होते हैं फॉल्स फंजाई, और फॉल्स फंजाई में सबसे पहले आते हैं स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स वो मोल्ड्स होते हैं जो होते हैं कवक जैसे हैं, फिलामेंटस होते हैं, वही है सारा जो न्यूट्रिशन है वो भी यूट्रोफाइटस होगा, लेकिन उनके ऊपर सेल वॉल नहीं है। तो बजाय इसके सेल वॉल के वो क्या करते हैं, स्लाइम सीक्रेट करते हैं, चिकना चिपचिपा द्रव्य स्रावित करते हैं और उसी के ऊपर ग्रो करते हैं। तो ये स्लाइम मोल्ड्स इसके अंदर आते हैं, और वाटर मोल्ड्स जो है तो ओमाइकॉट्स जो है वो भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह के हो गए। तो अगर हम इसको कवर करें फाइनली, तो प्रोटिस्टा के अंदर क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लेट्स और यूग्लिनोइड्स जो है वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं जो यूनिसेलुलर हैं। सेप्रोफाइटिक की हम बात करें, हाँ स्लाइम मोल्ड जो है वो सेप्रोफाइटिक होते हैं। ये जितनी भी गार्डन के अंदर पत्तियां वगैरह गिरती हैं धीरे धीरे डिग्रेड होती हैं, अगर आप थोड़ा सा माइक्रोस्कोप इसमें देखेंगे, लगा के देखेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। स्लाइम मोल्ड जब ग्रो करते हैं तो स्लाइम सीक्रेट करते हैं और उस पत्ती को कवर करते हैं, बहुत यानी ये डेट्रीवियस हैं, ये डिजेनरेट करने के काम आते हैं। सेप्रोफाइटिक मृतोपजीवी, मैंने कहा ना मृत जीवों पर ये आश्रित रहते हैं स्लाइम मोल्ड्स। और प्रेडेटर और पैरासिटिक, प्रोटोजोअन से बहुत सारी डिजीज होती हैं तो वो पैरासिटिक फॉर्म है, प्रेडेटर है ही। अगर हम जनरल बायोलॉजी ऑफ प्रोटिस्ट की चर्चा करें, ठीक है, तो कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो कर सकते हैं हम सेल सरफेस का। अब सेल सरफेस में अभी हमने तीन टाइप के प्रोटिस्टा पढ़ लिए हैं, एनिमल लाइक, फंजाई लाइक और प्लांट लाइक। तो इसमें हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल सरफेस इनके अंदर पाई जा सकती है। ठीक है, अगर हम एनिमल लाइक की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन भी है, बिकॉज एनिमल में सेल मेम्ब्रेन मिलेंगी। प्लांट की बात करें तो इनके ऊपर सेल वॉल भी है। ठीक है, और अगर हम डायटम्स की बात करें, ठीक है, क्योंकि डायटम में हमने देखा सिलिका का मोटा आवरण है, यानी ना तो सेल मेम्ब्रेन ना सेल वाला मोटा कवच है, ग्लास लाइक कवच है। ठीक है, और सेल्युलोजिक प्लेट भी है डायनोफ्लेजिलेट्स में, तो बड़े डाइवर्स हैं सेल सरफेस के हिसाब से, डाइवर्स है। दूसरा अगर इम्पोर्टेंट हम फीचर करें कि लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब गमनांग। अब गमनांग में हमने देखा ऑर्गन, ऑर्गन तो गमनांगों में हम देखेंगे, देखो प्लांट लाइक जो होंगे वो तो मोटाइल होंगे नहीं, प्लांट लाइक में तो नहीं होगा, लेकिन एनिमल लाइक जो होंगे, एनिमल लाइक में तो कौन है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को तो क्लासिफिकेशन ही लोकोमोटरी ऑर्गन है, तो किसी के अंदर सीलिया होगा, सीलिएट्स के अंदर, फ्लेजिला होगा किसी में, फ्लेजिलेट्स के अंदर, और किसी के अंदर क्या होंगे, शूडोपोडिया होंगे, किसी के अंदर लोबोपोडिया होंगे, किसी के अंदर एक्सोपोडिया होंगे। अब इनमें क्या डिफरेंस है आप पढ़ सकते हो, शूडोपोडिया लंबे होते हैं, लोबोपोडिया थोड़े से कुंठित होते हैं, छोटे होते हैं, एक्सोपोडिया काफी लंबे शूडोपोडिया होते हैं, उनमें बीच में एक्सिस एक तंतु पाया जाता है, वो एक्सोपोडिया होता है। तीसरा जो लक्षण है जो हम कह सकते हैं सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट क्या है, सिस्ट एक ऐसी संरचना है जो हार्श कंडीशन से किसी सेल को बचाती है। ठीक है, हार्श एनवायरमेंट में एक पाया जाने वाला अनुकूलन हम इसको मान सकते हैं, और एक डोरमेंट फॉर्म है सेल की। ठीक है, और ऐसी डोरमेंट फॉर्म है जिसमें सेल अपनी मेटाबॉलिज्म को इतनी कम कर लेती है कि वो मोर और लेस है, वो शट डाउन ही कर लेती है उसको, मतलब लगभग लगभग खत्म सी है, एकदम बहुत मिनिमल रेट पर मेटाबॉलिज्म चलती है और वो दिन काटती है बस अपने आप में। ठीक है, तो सिस्ट फॉर्मेशन भी है इनमें से कुछ प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं, ताकि हार्श एनवायरमेंट में जब वातावरण अनुकूल नहीं हो तो सिस्ट फॉर्म में अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखें, और जब अपना मौसम आए तो वापस फ्लरिश करें। ठीक है, चौथा जो लक्षण है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन अभी देखा हमने, न्यूट्रिशन का तो एक बड़ा खेल है ही। न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक, यानी प्लांट्स आ गए तो फोटोट्रॉफिक, तो प्लांट लाइक सारे इसमें आ जाएंगे जितने भी फोटोसिंथेटिक होंगे। फिर बाकी एनिमल हो चाहे फंगस हो, दोनों ही हिटरोट्रॉफ्स होते हैं, तो ये हिटरोट्रॉफ हैं। अब हिटरोट्रॉफ में भी कई टाइप के हो सकते हैं, हिटरोट्रॉफ में क्या क्या किस किस तरह से कर सकते हैं। एक होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसको अपन बोलते हैं, तो होलोजोइक है यानी खाते हैं, यानी पहले खाएंगे फिर पचाएंगे। और फिर है सेप्रोजोइक भी है, स्लाइम मोल्ड्स हमने देखा। ठीक है, और जितने भी हैं ये एनिमल वाले, उन सब में हमने एक बात पहले ही चर्चा की, इनके अंदर डाइजेस्टिव वैक्यूल होगी, बिकॉज जो भी खाएंगे फेगोसोम्स की सहायता से उन्हें पचाने के लिए क्या होगा, डाइजेस्टिव वैक्यूल होगी, लाइसोसोम फेगोलाइसोसोम जो हम पढ़ते हैं वो होगी। ठीक
ठीक है, रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी, अब रिप्रोडक्शन की इतनी वैरायटी नहीं है इसमें, बिकॉज प्रोटिस्ट हैं वो प्रिमिटिव में शुरुआती जीव है, और शुरुआती जीव जितने भी होते हैं वो एसेक्सुअल पे भरोसा करते हैं। उनके अंदर क्या मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दो पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं होती। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली करते हैं, और जब हार्श परिस्थितियां आती हैं अपने अंदर नए कैरेक्टर्स इनको लाने होते हैं तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली जो है वो स्पोर फॉर्मेशन से होता है, इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। इसके अलावा फिशन से होता है, फिशन हमने पढ़ा है अगर बराबर बराबर हो तो बाइनरी फिशन होता है। इसके अलावा अगर फिशन जैसे मान लो एक न्यूक्लियस है उसमें बहुत सारे मल्टीपल डिवीजन हो, ठीक है, तो उसे मल्टीपल फिशन भी बोलते हैं, जो साइजोगोनी द्वारा हो सकता है। बडिंग भी इनके अंदर हो सकता है, ठीक है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो खास बात है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो माइटोसिस की मदद से होता है, ठीक है। लेकिन ये जो माइटोसिस है, जो हमारे अंदर जो मल्टीसेलुलर जीवों के अंदर जो पाया जाने वाला माइटोसिस है, उससे अलग होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें किस तरह से अलग होते हैं, हमारे जो माइटोसिस है उसके अंदर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होती। एक सेकंड, तो इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर नहीं होंगी, तो क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुए बिना ही अंदर ही स्पिंडल बन जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात है ये, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहीं नहीं जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहीं रहेगी, और न्यूक्लियस के अंदर ही जो क्रोमेटिन है उससे क्रोमोसोम बनेंगे और अंदर ही स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इस तरह से इनके ये कुछ कैरेक्टर्स थे जिनके आधार पर हमने इनके बारे में चर्चा की। ओवरऑल जो प्रोटिस्ट हैं उनको हम कुछ एक कैटेगरीज हैं जिनके अंदर हम रखते हैं, थोड़ा सा अगर डिटेल क्लासिफिकेशन अगर हम इसका इनका समझें, ठीक है। तो जैसे मैं अभी आपको बताऊं, इसको थोड़ा सा मैं देखिए, ये जितने भी प्रोटिस्ट हैं उनको पांच मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन से हैं मेजर ग्रुप, पहले हैं ये जिसके अंदर हम एनिमल लाइक में से तीन को रखते हैं, राइजोपोडा, एक्टिनोपोडा और फोरामिनिफेरिया, ये सारे प्रोटोजोअन्स हैं, ठीक है। यानी प्रोटिस्टा को थोड़ा सा और एडवांस तरीके से जब हम क्लासिफाई करते हैं तो इनके अंदर 15 फाइलम आते हैं, 15 फाइला हैं, छोटे छोटे फाइला हैं जिनके अंदर के मतलब जो जितने भी प्लांट लाइक एनिमल लाइक और फंगस लाइक जितने भी प्रोटिस्ट हैं उनको टोटल 15 फाइला को पांच कैटेगरी में ओवरऑल बांटा गया, ठीक है। तो ये राइजोपोडा, एक्टिनोपोडा, फोरामिनिफेरिया, आप उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ये हिटरोट्रॉप्स हैं विद नो परमानेंट लोकोमोशन अपरेटस। तो राइजोपोड, एक्टिनोपोड और फोरामिनिफेरिया में वो होते हैं जिनके अंदर कोई परमानेंट लोकोमोटरी अपरेटस नहीं मिलता, वो इनको रखा गया। दूसरे एक कैटेगरी बनाई गई जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक सारे एक कैटेगरी में आएंगे प्रोटिस्टा के अंदर। तो जितने भी फाइटा है, चाहे वो पायरोफाइटा यानी डाइनोफ्लेजिलेट्स हो, यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिनोकायरोक्राइसोफाइटा, गोल्डन एल्गी, रोडोफाइटा, रेड एल्गी, फियोफाइटा, ब्राउन एल्गी और क्लोरोफाइटा, ग्रीन एल्गी, ये सारे जितने भी फाइट हैं फोटोसिंथेटिक इसमें आ गए। अब प्रोटिस्टा में, अब देखो ये प्रोटोजोआ का कुछ हिस्सा तो यहाँ आ गए, बाकी जो सार्कोमेस्टिगोफोरा और सीलियोफोरा है जिसके अंदर क्या आएंगे, जिनके अंदर फ्लेजिला पाए जाते हैं, सीलिया फ्लेजिला, वो कहाँ आएंगे, उनको एक में रखा गया। तो ये तीसरी कैटेगरी होगी। चौथी कैटेगरी, इसके अंदर भी क्या आएंगे, ये नॉन मोटाइल स्पोर फॉर्मिंग जितने भी एपिकॉम्प्लेक्सा, इनके अंदर एपिकल कॉम्प्लेक्स बनता है, एक नाम रखा गया इनका एपिकॉम्प्लेक्सा, एपिकॉम्प्लेक्स है बिकॉज इनके अंदर बिकॉज स्पोर बनते हैं तो इनके अंदर एक एपिकल सरफेस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इन सभी को एक कॉमन रख दिया गया एपिकॉम्प्लेक्स है। तो इसके अंदर भी प्रोटोजो है, ठीक है। और बाकी जो फंगस है, फंगस में भी कौन से हैं, हमने कहा ना फंगल लाइक प्रोटिस्ट में कौन आएगा, स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, हिटरोट्रॉप्स विद रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, इनके अंदर मोबिलिटी नहीं है, लेकिन जिस तरह से फंगस का इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है, एक जगह से शुरू होता है, धीरे 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 फैलता रहता है, तो वैसे मूव नहीं करता वो, जस्ट स्लाइम की सहायता से मूव करता है, इसलिए रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी वाला जो है उसके अंदर उमाइकोटा, एकेरसीमाइकोटा और मिक्सोमाइकोटा, ये सारी चीजें हैं। तो ये प्रोटिस्टा को इस तरह से इनमें बांटा गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटिस्टा, होपफुली आपको समझ में आया, काफी डिटेल में इसको डिस्कस करके कवर करने की कोशिश की है। कोई भी
आपने कुछ ही समझ में नहीं आया तो इस वीडियो के जो कमेंट्स है उसमें आप लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, ये जो टॉपिक है ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है बायोलॉजी से रिलेटेड जो उसमें नहीं आता। लेवल अलग है, पीएमटी से लेकर के बेसिक जो फंडामेंटल बायोलॉजी है जो पटवारी और इन सब के एग्जाम्स में आता है उनमें भी आता है, और नेट स्लेट पीएचडी सब में आता है। ठीक है, तो होपफुली यू एंजॉयड, थैंक यू सो मच, बाय बाय।